मुसलमानों का जो सब तो बड़ा अदारा पूरे पंजाब दे विच वो पंजाब वक्फ बोर्ड है, और वो पंजाब वक्फ बोर्ड के उपर पिछले अज तक जो 1947 तो बाद जो वक्फ बोर्ड बनया है तो फिर उसके उपर अज तक कदे भी कोई इलैक्शन नहीं होया है। जिहड़ी भी सरकार मौजूद आती है हर बार वो अपना ही चेयरमैन अपने ही मैंबर लगाती है, तो फिर जो चेयरमैन होंगे या मैंबर होंगे ने वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की कठपुतली बन के काम करते हैं, जिस तरह उन्होंने पिछे ऑर्डर होंगे सिर्फ उस गल के सहमत हाँ भी जिमें शाम लाट की जगह इदा ही वक्फ बोर्ड की जगह छड़ाई जाए। असी RTI पाई हुई आ, जिमें RTI आजूगी उमें मीडिया के सामने वह भी की जाऊगी कि किन्नी जमीन किहड़े पिंड दे विच आ और वह छड़वाई जाए। और मैं थोनों एक गल दसदा, मसीतां आबाद नहीं है, तो जी वक्फ बोर्ड की जमीन आ वह दबी हुई है, तो साडे वक्फ बोर्ड के जिहड़े चेयरपर्सन ने या मैंबर ने वह सुते पए ने, क्योंकि नवाब शेर मुहम्मद खान वेलफेयर सुसाइटी वालों अज माननीय मुख्यमंत्री पंजाब नू DC मलेरकोटला दे जरिए एक मंग पत्र भेजा गया, जिस विच ये मंग की गई कि पंजाब वक्फ बोर्ड के मैंबर ते चेयरमैन की चोन डेमोक्रेटिक तरीके दे नाल पंजाबी मुसलमानों दीआं वोटां दे नाल करवाई जाए। ये मंग पत्र ADC मलेरकोटला सरदार सुखप्रीत सिंह सिद्धू द्वारा रिसीव किया गया। हाँ जी आरिफ साहब, दसो जी की प्रोग्राम सी अज तुहाडा? सर अज असी मलेरकोटला DC ऑफिस दे विच मौजूद हाँ, और असी DC ऑफिस दे विच आके DC सर नू एक मेमोरेंडम दिता है कि जेहड़े पंजाब दे CM भगवंत मान साहब उन्होंने नाम के उपर जो मेमोरेंडम दिता है सानू, क्योंकि पिछले कुछ दिनों तो सानू सोशल मीडिया के उपर यह आवाज़ भी उठाई हुई थी कि मुसलमानों का जो सब तो बड़ा अदारा पूरे पंजाब दे विच वो पंजाब वक्फ बोर्ड है, और वो पंजाब वक्फ बोर्ड के उपर पिछले अज तक जो 1947 तो बाद जो वक्फ बोर्ड बनया है तो फिर उसके उपर अज तक कदे भी कोई इलैक्शन नहीं होया है। जिहड़ी भी सरकार मौजूद आती है हर बार वो अपना ही चेयरमैन अपने ही मैंबर लगाती है, तो फिर जो चेयरमैन होंगे या मैंबर होंगे ने वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की कठपुतली बन के काम करते हैं, जिस तरह उन्होंने पिछे ऑर्डर होंगे सिर्फ उसी तरह काम करते हैं, बल्कि जोड़ा वक्फ बोर्ड है मुसलमाना का है, मुसलमाना की जायदाद है, ये मुसलमाना दी कुर्बानियां दे नाल मुसलमाना दे खून दे नाल सिंचिया होया वक्फ बोर्ड है, इस करके दे उपर अधिकार भी जड़ा हैगा ना वो पंजाबी मुसलमाना दा, वो पंजाब दे मुसलमाना दा है। इसी करके असी अज ये मंग रखी है CM साहब दे अगे, जड़ा सने मेमोरेंडम दिता है DC साहब नू, ये CM साहब तक जाऊ और साडी आवाज़ मीडिया के जरिए भी उत्थे तक पहुँचेगी। सानू पूरी उम्मीद है कि CM साहब नू सने अपील की है कि जिस तरह SDPC सिखां दी सब तो बड़ी जत्थेबंदी और सब तो बड़ी जिहड़ा इन्हां दा अदारा है, जिसी तरह संविधानिक तरीके दे नाल उन्हां दीआं वोटां हुंदीआं ने और उसी तरह पंजाब वक्फ बोर्ड दे विच भी जिहड़े मैंबर चुने जाण या चेयरमैन चुनिया जावे वह भी संविधानिक तरीके दे नाल पंजाब विधानसभा दे विच मता पास करके तो फिर इस दे जिहड़े अग्गे दी कारवाई हैगी है चेयरमैन और मैंबर चुनने दी कारवाई शुरू की जाए। आप तो बाहर तो लिया के जिहड़े लोग लाउणे पै रहे ने, इहदा मतलब है कि पंजाब दे विच उन्हां नू कोई ईमानदार शख्स नहीं मिल रहा कि जिहड़ा पंजाब वक्फ बोर्ड नू चला सके, जबकि साडे पंजाब दे विच ऐसे ऐसे काबिलियत वाले इंसान बैठे ने कि जिन्हां दे उपर लोग एक उंगली तक भी नहीं चक सकते, ईमानदार होण दा दावा करते हैं, पर असी इंशाल्लाह जो इंसान खुद अच्छा हुंदा है उन्हें दूसरे भी अच्छे लगते हैं, दूसरे भी ईमानदार लगते हैं जिहड़ा खुद ईमानदार हुंदा है, पर असी हुण साडी मंग है कि पंजाब दा ही वक्फ बोर्ड जिहड़ा हैगा है इहदा चेयरमैन भी पंजाबी होना चाहिए और इहदे मैंबर भी पंजाबी ही होने चाहिए। अज्ज तुसीं ADC साहब नूं मंग पत्र दित्ता है, की उन्होंने तुहानूं आश्वासन चुकाया? सर जिहड़ा साने मेमोरेंडम अज उन्हां दे हाथ दे विच दिता है उन्होंने सानू पूरा पूरा विश्वास दवाया है कि जिहड़ा तुहाडी आवाज़ है असीं CM साहब तक जरूर पहुँचावांगे। की मंग है सरकार तो, की तुसीं चाहुंदे? सर साडी मंग यही है कि जिहड़ा पंजाब वक्फ बोर्ड हैगा इहनूं पंजाबी मुसलमानां दे हवाले किया जाए और पंजाबी मुसलमान इन्हां दी अपनी चोन करके वोटां पा के अपना नुमाइंदा खुद चुनन, फिर वो जिहड़ा नुमाइंदा होगा वो लोगों के लिए काम करूगा, साडी यही मंग है। मुस्लिम वासी जिहड़े हैगे ने सर, बिल्कुल जिहड़े पंजाब दे जद्दी मुसलमान जिहड़े पंजाब दे मुसलमान ने जिद्दी मुसलमान, वो हर एक यही चाहता है कि जिहड़ा पंजाब दा वक्फ बोर्ड मुसलमानां दे हवाले कर दिता जाए, क्योंकि असी पिछले 20 सालों तों तां असी इह देखिआ है कि पंजाब वक्फ बोर्ड दा चेयरमैन एक भी पंजाबी नहीं लग्गिआ, जिहड़ी भी सरकार आई है उन्होंने कितें बिहार तो चक लिआंदा कितें UP तो चक लिआंदा और पूरे पंजाब दा एक भी नहीं लभ्या और इन्हां नूं ईमानदार शख्स लभे ही नहीं, जिस तरह कि तुसीं वीडियो कह रहे हो कि उन्हां नूं पंजाब दा ईमानदार कोई शख्स मिलदा ही नहीं। सर अगर संतुष्ट होंगे तो फिर सानू ये कदम उठाने की क्यों नौबत आती,
क्योंकि पता ही है कि जेड़ा भी वक्फ बोर्ड का मैंबर चेयरमैन बने आए मैंबर बने ने कि तुम उन्होंने हालात देखोगे मैंबर बनने तो पहला की थे जो मैंबर बन के कुछ महीने ही बाकी हुए ने बल्कि उन्होंने अपना पूरा समा नहीं कढ़िया मैंबर बन के कुछ महीने ही होए ने कि जेडे टुटे हुए स्कूटर के उपर फिरते थे वो कुछ महीनों तो बाद इंडेवर गड्डिया के उपर आ जाते हैं स्कॉर्पियो गड्डिया के उपर आ जाते हैं फॉर्चूनर गड्डिया के उपर आ जाते हैं। अगर असं उन्होंने तो संतुष्ट होंगे कि हाँ वो काम अच्छा कर रहे हैं फिर असं ये क्यों मुद्दा चकते जो अच्छ मंग पत्र दता यदा मेन कारण मेरा नाम मुहम्मद शमशाद है जी जिहड़ा अज मंग पत्र दता यदा मेन कारण यही सीगा कि जिहड़ा वक्फ बोर्ड आ उन्होंने गुलामी तो आज़ाद कराया जाए क्योंकि सानू तो गुलामी का एहसास हो रहा है साडा वक्फ बोर्ड आ जिहड़ा गुलामी के राही चल रहा है जिहड़ा भी लीडर आउंदा है या तो उहदा चहेता हुंदा या उहदा रिश्तेदार हुंदा है वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन और जे तुसीं देखो तो जिन्हें भी मैंबर ने जिहड़ी पार्टी की सरकार आ उहदे मैंबर ने फिर आज़ाद किवें होया जबकि साढ़े बजुर्गों के खून के नाल वक्फ बोर्ड बनया है साढ़े घर के परिवार के विचों खुद दर्जना तो वध बंदे मारे गए उन्होंने जमीन ना वक्फ बोर्ड बनया जे इहदी हिस्टरी चक के देखो तो फिर असी क्यों नहीं मैंबर हैगे सानू यह जवाब दिता जाए जिहड़ा चेयरपर्सन आ जां जिहड़ा वक्फ बोर्ड का मैंबर उन्हां दी की कुरबानी आ वक्फ बोर्ड लई कोई कुरबानी तो दिखाओ ना यूपी तो चक के तुसीं साढ़े सिर ते मथदाने हो सानू उहदी जरूरत ही नहीं हैगी जदों असीं कह रहे हाँ पंजाब दे जिहड़े बसिंदा मुसलमान ने वो कह रहे हैं भी सानू उहदी जरूरत नहीं तां तुसीं क्यों लाउंदे हो जदों पिछे जे चेयरपर्सन बनाए गए आ मैं नाम नहीं लैणा हैगा वह भी एक पार्टी के चहेते सीगे रिश्तेदार सीगे उहनूं बनाया सी विरोध करिया तां क्यों नहीं उहनूं उतारिया गया हैरानी दी गल इह आ कि उस टाइम कांग्रेस के जिहड़े मुख्यमंत्री साहब सी उन्हां तक यह गल गई भी आ तां भी उन्होंने बदलिया नहीं क्योंकि उन्होंने चहेते ने और वक्फ बोर्ड के विच इस टाइम एड्डी क घपलेबाजी चल रही है कि जिहड़े जमीना ने वो इन्होंने दबिया हुई ने या बेचिया हुई ने कब्रस्ताना फैक्ट्रियां लग रही ने सानू इन्हां दी कारगुजारी ते बिल्कुल भरोसा नहीं हैगा इस करके अज डीसी साहब नूं मंग पत्र दिता आ और जेकर ये मंग पत्र की मंग नहीं मनी जाती चोण नहीं होंदी तां विरोध पक्का आ और फिर बड़े लेवल ते विरोध किया जाऊगा तो बिना ही दसदाने बदवाल चले जाओ कब्रस्तान सीगा जद्दी कब्रस्तान सीगा हुण भी विरोध चल रहा वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन उहदे विच ने जी वह जमीन फैक्टरी नूं देण दे विच ने गे सरकार तो मंग करदे कि अजिहे चेयरपर्सन नूं मौके ते उतारिया जाए सगों उस नूं सज़ा की जाए जदों मुसलमान ने जिन्हां दा वक्फ बोर्ड आ उह नहीं चाहुंदे भी उत्थे फैक्टरी बने तां उहनां दे बाप दी जगह थोड़ी आ जी कोई बना लूगा साडे मुसलमानां दी आ और जिहड़ा चेयरपर्सन उह बाहर लाया तां उह किवें दे सकदा है किसी नूं जमीन वक्फ बोर्ड दी जमीन आ कि मुसलमानां दी जमीन आ बिल्कुल ये गल दे नाल असीं सहमत हाँ भी जिवें शाम लाट की जगह इदां ही वक्फ बोर्ड की जगह छड़ाई जाए असीं आरटीआई पाई हुई आ जिवें आरटीआई आजूगी उवें मीडिया के सामने वो भी की जाऊगी कि किन्नी जमीन किहड़े पिंड दे विच आ और वो छड़वाई जाए और मैं थोनों एक गल दसदा मसीतां आबाद नहीं हैगियां ते जिहड़ी वक्फ बोर्ड की जमीन आ वह दबी हुई आ ते साडे वक्फ बोर्ड के जिहड़े चेयरपर्सन ने जां मैंबर ने बण के सुते पए ने क्योंकि उहनां नूं कमीशन आउंदा आ जिहड़े पुराने सप्प वक्फ बोर्ड च बैठे ने जिन्ना टाइम इह निकलदे नहीं उन्ना टाइम वक्फ बोर्ड आजाद नहीं हो सकदा। पंजाब दे वख-वख शहरां विच मुसलमान भाईचारा वसदा उहनां नूं तुसीं की मैसेज लाउंदे हो? उहनां नूं इही अपील करांगे कि तुसीं आरटीआई पाओ अपने पिंडां विच जमीन पता करो कि वक्फ बोर्ड की किन्नी जमीन आ और उहनां दे उत्ते कब्जे लवो उहनां नूं ठेके दे दवो उहनां दी जिहड़ी आमदन आउंदी उहनां नाल मसीतां ते मरदासियां ते बच्चियां दी एजुकेशन ते पैसा लाओ डिवेलपमेंट करो अपने मुसलमानां दी क्योंकि जदों वक्फ बोर्ड मुसलमानां दा तां मुसलमानां ते ही पैसा लगना चाहिए। पंजाब दे विच इक बहुत वड्डा इदारा गा बहुत वड्डी जमीन आ वक्फ बोर्ड दी की तुहानूं लगदा कि मुस्लिम बच्चे जिहड़े नहीं पढ़ाई कर सके उह किहदी कमी लभदी आ तुहानूं? जिहड़े जिहड़ी इह कमी आ इह साडे चेयरपर्सनां दी आ ते मैंबरां दी आ क्योंकि वक्फ बोर्ड कोले इन्नी आमदन आ कि जिहड़ा भी खर्चा आ वह अपने पल्यों कर सकते हैं कोई IAS बन सकता कोई डॉक्टर बन सकता कोई पुलिस कमिश्नर कुछ भी बन सकता पर उन्होंने खर्चा चकन वाला कोई नहीं है सानू विरोध करना ही पेगा तो आज़ाद कराना ही पेगा।